हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल वैष्णव आपका स्वागत है मेरे चैनल एवीटेक में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो वन प्लस का एक स्मार्टफोन आया, उसका नाम कंफर्म तो नहीं हुआ, लेकिन जो स्मार्टफोन आया वो 5G होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसके सारे स्पेसिफिकेशन कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं, उस टाइप जिसका नाम हो सकता है उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को सबसे लेकर आगे देखते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करिए वन प्लस के स्मार्टफोन, तो जो वन प्लस का स्मार्टफोन अधिकतर अच्छे से अच्छे स्मार्टफोन होते हैं। तो आपने देखा होगा पिछले साल से ही काफ़ी चर्चा चल रही थी कि वन प्लस का स्मार्टफोन आने वाला, वन प्लस सेवन होने वाला, तो जो स्मार्टफोन लगभग वन प्लस सेवन हो सकता है। जो बात करें स्मार्टफोन की, तो आपको जो स्मार्टफोन है वो 5G टेक्नोलॉजी पर बेस होगा, मतलब आपके जो स्मार्टफोन है 5G स्मार्टफोन हो गए हैं। तो बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो जहाँ जो MWC 2019 है वहाँ पर इसको रखा गया है, लेकिन इसको पूरी तरह से दिखाया नहीं गया, सिर्फ एक कवर के अंदर रखा गया। आप इस फोटो में देख सकते हैं वहाँ पर छुपा कर रखा गया, ऐसे लीक नहीं किया गया है। तो बात करें स्मार्टफोन की, तो ये जो स्मार्टफोन है वो 21:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ आएगा, जो कि बिल्कुल मेजरलेस डिस्प्ले होगा। यहाँ पर नोच भी देखने को नहीं मिलेगी आपको इसमें। तो अगर आप इसको, आपको इसमें नोच देखने को नहीं मिलेगी, तो कंफर्म है कि आपको इसमें फ्रंट कैमरा होगा, आपको पॉपअप सेल्फी फ्रंट कैमरा होगा। तो ये बात है, आपको जिसमें कैमरा होगा फ्रंट कैमरा, पॉपअप सेल्फी फ्रंट कैमरा होने वाला है। यहाँ पर बात की आपको इसमें प्रोसेसर की, तो बताया जा रहा है जो इसका प्रोसेसर होगा वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 855 वाला प्रोसेसर होने वाला है, जो कि X50 मॉडम के साथ आएगा, जो कि 5G सपोर्ट करता है, फुल्ली 5G सपोर्ट करता है। तो आपको प्रोसेसर मिलने वाला है इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 वाला, जो कि प्रोसेसर की बात करें तो जो प्रोसेसर होने वाला है अब तक का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर होने वाला है। कि आप जानते हैं जो वन प्लस का पहले वाला स्मार्टफोन था वन प्लस 6, जिसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 के साथ आया था, जो स्मार्टफोन होगा उसका सक्सेसर होगा। तो वन प्लस 7 होने वाला है, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 के साथ आएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर होने वाला है, जिससे गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बात करें आपको इसमें सपोर्ट की, जो स्मार्टफोन होगा वो 5G सपोर्ट तो करेगा ही सही, साथ में आपको इसमें जो आपको USB टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, आपको इसमें फेस अनलॉक मिल जाएगा, शायद आपको इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बात की आपको स्मार्टफोन, तो 9.0 Pi के साथ आने वाला है। बात की स्मार्टफोन की, तो अभी कुछ बैटरी कुछ कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जो इसकी जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा तो जिसकी सीधी फाइट सैमसंग गैलेक्सी S10 से, सोनी Xperia M1 से, साथ में जो MI Mix 3 जो अभी लॉन्च हुआ है MWC 2019 में, उससे होने वाली है। तो ये था वन प्लस का एक स्मार्टफोन जिसके लीक आई है, जो 5G स्मार्ट होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमेशा मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो करता रहूँ।